नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पीयू पेंट की रबिंग कैसे करना है तो इसके बारे में आज बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। शुरू से लेकर अंत तक आपको पूरी जानकारी देंगे। तो ये रबिंग करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें 600 नंबर, 1000 नंबर और 1500, 2000, 3000, 4000 नंबर तक रेगमार से सैंडिंग कर लेनी है, वाटरप्रूफ रेगमार से पानी के साथ। और उसके बाद फिर आपको इसमें रबिंग करना होता है। तो रबिंग करने के लिए कौन सी रबिंग का इस्तेमाल करना है तो उसके बारे में बताएंगे, कौन सी रबिंग आप लगा सकते हैं जिसमें सबसे अच्छी चमक आएगी। तो ये देखिए, ये हाई कट की रबिंग है जो पाई क्रिस्टल की है। इसका WP 97 नंबर है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये 2900 रुपये के आसपास इसका प्राइस है। और पहले ये लगाते हैं जो रेड कलर का WP 97 डब्बा है। तो ये कट फिनिश साइन के लिए होता है। तो इसको आप सबसे पहले आप इसको लगाएं, उसके बाद ही आपको इसमें ये ग्रीन डब्बा लगाना है। तो पहले ये रेड वाला WP 97 नंबर आपको 2 से 3 बार लगा लेना है। किसी तरह का इसमें मिस नहीं करना। 2 से 3 बार जब आपका ये पूरा हो जाए तो उसके बाद फिर आपको सफाई कर लेनी है कपड़े से। सफाई करने के बाद फिर आपको ये ग्रीन वाला डब्बा लगाना है। जो ग्रीन डब्बा है इसकी भी अगर प्राइस की बात करें तो ये भी आपको 3000 के आसपास इसमें प्राइस आता है, 3000 के आसपास मिल जाएगा। और अगर इसका वजन की बात करें तो इसमें एक डब्बा ये 1 किलो 400 ग्राम का नेट होता है। तो ये जो रेड डब्बा है इसका भी वजन 1 किलो 400 ग्राम है, जो ग्रीन है इसका भी वजन 1 किलो 400 ग्राम है। तो पहले ये रेड लगाना है, ऐसे 2 से 3 बार लगाना है। 2 से 3 बार लगाने के बाद उसके बाद फिर आपको कपड़े से पहुँच कर फिर ग्रीन वाला भी 2 से 3 बार आपको ये रबिंग लगानी है। तो ये पाई क्रिस्टल की रबिंग है। तो प्राइस हमने आपको इसकी बता दिया कितना प्राइस आता है, और 1 किलो 400 ग्राम का प्राइस बता रहे हैं, 1 किलो का नहीं बता रहे। इसमें 1 किलो का डब्बा नहीं आता, उसका दूसरा बोतल आती है। 1 किलो की जो दूसरी बोतल आती है, ये डब्बा है तो 1 किलो 400 ग्राम का। यदि आपको छोटा पैकिंग चाहिए तो छोटा भी इसमें आता है, बड़ा पैकिंग भी आता है। तो इसको रेड वाला ऐसे करके पूरे में बराबर से मिक्स करके लगाना है, कहीं भी छूटने न पाए। पूरा बराबर से पैड द्वारा इसमें खूब अच्छे से इसको रगड़ के ऐसे ही लगा देना है। ये देखिए, कहीं भी छूटने न पाए, पूरी तरह से इसको रगड़ के लगाना है ताकि पूरे में कहीं भी छूटे ना, पूरी जगह हमारी चमक पूरी तरह से खिल जाए। लेकिन इसमें हाई ग्लोस के 2 कोट पूरे कर लेने के बाद ही आपको करना है। जब सूख जाए सैंडिंग अच्छे से कर लेनी है, वाटरप्रूफ रेग मार से इसको बढ़िया से मंजाई कर लेनी है, उसके बाद ही आप रबिंग लगाएं, तभी आपको पूरी चमक इसमें मिलेगी। तो ये देखिए, फिर इस तरह आपको पहले रेड वाली लगा लेनी है अच्छे से दोनों तरफ से। इसमें बढ़िया से पहले रेड वाली लगा लेनी डब्बे की 97 नंबर, उसके बाद आपको 29 नंबर क्रीम का इस्तेमाल करना है। और बढ़िया से दोनों क्रीम को 2 से 3 बार लगाना है, जब तक आपको चमक पूरी मिल न जाए तब तक आपको इसमें लगाते रहना है। किसी तरह की इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से लगाना है ताकि आपकी रबिंग पूरी तरह से हो और पूरी चमक आए इसमें। बहुत लोग कहते हैं चमक नहीं आती। चमक न आने का कारण होता है, यदि आप अच्छे से मंजाई उसमें नहीं करेंगे, सैंडिंग सही से नहीं करेंगे तो आपकी चमक नहीं निकलेगी। तो इसलिए आपको सैंडिंग करते समय ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर तरीके से रेगमार लगाना है। बीच के रेगमार आपको मिस नहीं करना। जैसे आपने 600 लगा दिया, 600 नंबर का रेगमार लगा दिया, और उसके बाद आप सीधे आप 2000 लगा दे रहे हैं, 3000 लगा दे रहे हैं, तो आपको चमक नहीं मिलेगी। तो पहले आपको 600 नंबर लगा देना है, फिर आपको 1000 नंबर लगाना। पहले 600 नंबर से पूरी तरह से कटाई कर लेनी है, उसके बाद आपको 1000 नंबर। यदि आपको ज़्यादा चमक चाहिए तो 800 नंबर भी आता है इसमें, वाटरप्रूफ में 800 नंबर भी लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आपको एक रेगमार 1500 का भी इसमें लगाना पड़ेगा। 1500 का रेगमार जब आपका पूरी तरह से लग जाए, उसके बाद फिर आप इसमें 2000 नंबर का इस्तेमाल करें। ये सभी रेगमार जो भी लगेंगे आपको पानी के साथ लगेंगे, बिना पानी के ये नहीं चलेंगे। जब भी आप इनको लगाएं तो पानी के साथ लगाएं, और पीयू का कोट आपके कंप्लीट 2 कोट हो जाने चाहिए, उसके बाद ही लगाएं। तो 2000 नंबर लगाने के बाद आपको 3000 नंबर भी लगा देना है। यदि आप मशीन से लगाना चाहते हैं रेगमार तो मशीन भेज से भी लगा सकते हैं, वरना आप हाथ से भी लगा सकते हैं। गुटके की मदद से लकड़ी का गुटका लें, उसमें लपेट के रेगमार लगा सकते हैं पूरी तरह से इसमें, तभी आपका पूरी तरह से बेनिफिट आपको मिल पाएगा। तो रेगमार पूरे हो जाने के बाद जब आप 4000 तक रेगमार लगा दें, उसके बाद फिर आपको ये हाई कट की आपको रबिंग लेनी है पाई क्रिस्टल की, जो रेड वाला 97 नंबर है। और इसको आपको 2 से 3 बार पैड की मदद से इस तरह लगा देना है। क्रीम को लगाने के बाद पानी डाल लेना है, पानी के बाद उसके बाद आपको पैड लगाना है।
एक ग्राइंडर में पैड, इसका पाई क्रिस्टल का ही पैड आता है, तो इसको बढ़िया से इसी तरह मिला के इसको रगड़ देना है पूरी तरह से, तभी आपकी पूरी तरह से इसमें चमक आ जाएगी। ये देखिए बढ़िया ऐसे ही लगाते रहना है। तो देखिए हमारी पहली रबिंग पूरी हो रही है, पहली रबिंग जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद दूसरी रबिंग फिर आपको हमको इसी को लगाना है, उसके बाद ग्रीन वाला डब्बे से हमने लगाना है, ग्रीन वाले को डब्बे को भी हमको दो बार पूरे करके लगाने हैं, कहीं मिस नहीं करना, तभी हमारी पूरी तरह से चमक इसमें आएगी अच्छे से। तो देखिए रेड वाली हमारी पूरी हो गई, अब इसमें हमको ग्रीन वाले डब्बे से लगाना है 29 नंबर, ये 29 नंबर क्रीम हमको इसी तरह इसमें लगा देनी है पूरे में, पहले ऐसे लगा देना, फिर पानी डाल के आपको पैड से इसमें मंजाई कर देनी है इसकी पूरी तरह से बढ़िया से। ये देखिए पानी डाल देना है, पानी डालने के बाद ही आपको इसमें पैड चला देना है, ये ग्राइंडर में लगा हुआ पैड है, ये जब भी आप ग्रीन वाली क्रीम लगाएंगे तो आप पैड बदल देंगे, दो पैड आप रखेंगे, एक से रेड वाली लगाएंगे तो दूसरी पैड से आपको इसमें फिर ये ग्रीन डब्बे वाली रबिंग लगानी है। तो इस तरह से पूरे से पूरे में बढ़िया से इसको भी लगा देना, दो से तीन बार इसको भी लगाना। आपका दरवाज़ा या कुछ भी है, दरवाज़ा है या बेड है या कोई चीज़ है, अलमारी का पल्ला है, पूरी तरह शीशे की तरह चमक जाएगा आप इस तरह से यदि पूरी रबिंग इसमें कर देते हैं तो। ये देखिए इसी तरह बढ़िया से लगा देना है पूरे पल्ले में, दो से तीन बार लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो रबिंग करने के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, तो रबिंग करना समझ आ गया होगा कैसे हमको रबिंग करना है। यदि हमारा ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आता है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।